गांव का नाम आजादपुर है और मैं ग्वालियर में ये रैली करने का लोकतंत्र बचाओ सबक सिखाओ तिरंगा यात्रा का उद्देश्य इतना है, जनता जागे, इन महाराजाओं गुंडाओं के लोगों के अंदर से डर जाए और इन्हें सबक सिखा के बाहर भेजा जाए। ऐसे लोगों की राजनीति में और देश की सेवा में कोई रुचि नहीं है, ये सिर्फ अपना अपना घर बनाने की जुगत में है। इसी प्रकार से जब पूरे ग्वालियर और अन्य विधानसभा में कई विरोध प्रदर्शन कर रहा हुआ इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध अमर रहे इस तरीके से विरोध कर रहे हो, क्या करेंगे? खींच के दिखाने का उद्देश्य इतना है कि आपकी जनता ने ही जो रेपुटेशन या इज्जत बनाई है वो जनता या गिरा के भी आपको सड़कों पे चला कितने, कितने विधायक है कितने मंत्री? आपने 23 विधायक। क्या संदेश देना चाहोगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे मेरे ग्वालियर और ग्वालियर संभाग के मतदाताओं से, यही अपील है कि आप ऐसे लोगों को चुनाव जिताकर विधानसभा कोई संगठन आपका क्या साथी? कोई संगठन नहीं है, मेरे सारे साथी हैं, इंकलाबी साथी मान मेरी यही है कि ये चुनाव जीत के नहीं जाना चाहिए। मतलब बेरोजगारी की मांग है? बेरोजगारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ ये लोग पीछे करो जो छोड़ जाओ अगला भी कर देना, 2000 रुपये मिल जाओ अगला भी।